رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في को अपनी बीवी के सर पर रखकर हथेली से चबा ले। एक बात का ख्याल रखना मियां, चाहे कुछ भी हो जाए अपना हाथ फलीते के ऊपर से मत हटाना, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। इस मासूम को परेशान करने वाली तू कौन सी मखलूक है? तुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, मेरे सामने हाजिर हो। मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं कि हाजिर हो। हाजिर हो। तो इस मासूम को क्यों परेशान कर रहा है? हम इसके आशिक हैं। हमें इसके बच्चों की सवारी करने में बहुत मजा आता है। खबरदार, जिन्नात और इंसान का क्या मेल? इंसान और जिन्नात का मेल कुदरत के निजाम के खिलाफ है। तुम इस बच्ची को फौरन छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। तू हमारा कत्ल करेगा? मैं कोई काम का बात नहीं हूँ। मेरी ताकत बेकार है। तू मुझसे लड़ने की कोशिश मत कर, नहीं तो अख्तर मियां, आपकी बेटी पर जो जिन्नात हैं वो बड़े जालिम किस्म के, इन्हें काबू करना मेरे बस का नहीं। उन्हें तो सिर्फ एक ही आदमी काबू कर सकता है और वो है मेरे पीर साहब। हमारी मुलाकात कराइए उनसे। वो अभी आपसे नहीं मिल सकते, मेरे पीर साहब इस वक्त एतकाफ में बैठे हुए हैं। मेरा शागिर्द उन्हें आपके घर लेकर आएगा। नसीम के अबू, आप लोग सूफी जी के पास गए थे, वहाँ क्या हुआ आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या बताऊँ रेहाना, अब ये मसला सूफी जी के बस में नहीं है। इस मसले का हल सिर्फ उनके पीर साहब ही निकाल पाएंगे। हमारे रहमान मियाँ जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि हमारी नसीम जिन्नात की झपेट में कैसे आई। अबू, मैंने जो वो बंद पड़ी हुई हवेली खरीदी है वो आसीजदा है। क्या आपको किसी ने बताया नहीं था कि वो हवेली आसीजदा है? मुझे कुछ लोगों ने आगाह किया था, लेकिन मैं कहां जिन भूतों की बातों पर यकीन रखता था। काश मैं नसीम की उन बातों पर यकीन कर लेता तो आज उसकी यह हालत ना होती। ये क्या है? लिस्ट। आप फौरन बाजार जाइए
और लिस्ट में लिखा हुआ सामान खरीद कर लाइए। मैडम, इस घर में आए हुए हमें सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और आपने हुक्म चलाना भी शुरू कर दिया। शौहर पर हुक्म चलाना बीवी का हक होता है। अब जल्दी से बाजार जाइए, नहीं तो शाम का खाना नहीं बनेगा। अगर ना जाऊं तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। जो हुक्म सरकार, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब जल्दी से जाइए। अरे, ये तो बाहर चले गए थे, ये कब और किस रास्ते से अंदर आकर खड़े हो गए? रहमान साहब, अब ये शरारत करना बंद कीजिए और अलमारी से जल्दी से बाहर आइए। कमाल है, मैंने खुद रहमान को इस अलमारी में बैठते हुए देखा था। फिर ये कहाँ गायब हो गए? बातें मत करो रहमान, हमने अपनी आंखों से इस घर में बहुत खौफनाक आदमी को देखा है। घर की साफ सफाई में तुमने सख्त मेहनत की है, जिसकी वजह से तुम्हारा जिस्म और दिमाग बुरी तरह से थक गया है, इसीलिए तुम ये बेतुकी बातें कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चलो। काश मैं नसीम की उन बातों पर यकीन कर लेता तो आज उसकी ये हालत ना होती।
हौसला रखो बेटा, अल्लाह बहुत रहीम है। अरे क्या हुआ बेगम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ मम्मी, इतनी घबराई हुई क्यों है आप? वो नसीब के कमरे में जिन्नात है, जिन्नात। जिन्नात? है? जिन्नात? मैंने अपनी आंखों से उसका डरावना चेहरा देखा है, वो नसीम को सेब खिला रहा है। अरे चलो हम देखते हैं। अम्मी क्या हुआ, आप क्यों चीखी? मैंने नसीम के पास जिन्नात को बैठे देखा था, बहुत डरावना चेहरा था उसका। वो तो आराम से सो रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अम्मी मुझे ऐसा लगता है आज आपको नसीम के पास सो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूफी जी तशरीफ लाइए। उस आसेब ज़दा लड़की को हमारे सामने हाजिर किया जाए। आबिद बेटा नसीम को लेकर। اعوذ رب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اعوذ رب الناس ملک الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد جلاد جلاد فوراً حاضر ہو सूफी, तू हमसे क्या चाहता है?
साथ इस लड़की का जिस्म छोड़कर इस बोतल में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। तुझे अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तेरे जैसे 10 सूफी मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐ मेरे मौतलों, इन मर्दों जिन्नात को मजा चखाओ। सताने वाले जल्लादों पर रहम नहीं किया जाता। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो इस बोतल में समा जाओ। मैंने एक जिन को कत्ल करके 20 जिन्नातों को इस बोतल के अंदर कैद कर लिया, लेकिन अफसोस कि इन जिन्नातों का सरदार मेरे शिकंजे से फरार हो गया। सूफी जी, लेकिन अब क्या होगा? घबराओ नहीं, मैं एक खास अमल करूंगा, फिर देखता हूं कि वो ताकतवर जिन मेरे शिकंजे से कैसे फरार होता है। अगरबत्ती दो। Thank you.
जाओ। पांच दिनों के लिए मैंने इस मकान की रूहानी बंदिश कर दी है। पांच दिनों तक वो जल्लाद अलमारी से निकलकर नसीम को सता नहीं सकेगा। तो क्या पांच दिन के बाद वो फिर से आजाद हो जाएगा और हमें फिर से परेशान करने लगेगा? मुझे एक खास अमल करना है। इंशाल्लाह पांच दिनों में वो मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए उस जल्लाद जिन को बोतल में कैद कर लूंगा। नसीम के अब्बू, आखिर हमारी नसीम से ऐसा क्या जुर्म हो गया जो वो मासूम जिन्नात की गिरफ्त में आ गई? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई बेगम। जिन्नात एक ऐसी अजीब दहशत का नाम है जो इंसान की रूह फना कर देता है। जिन्नात के शर से निजात पाना बहुत मुश्किल है। हाँ पीर जी कह तो रहे थे कि वो पांच रोज तक कोई खास अमल करेंगे और उसके बाद उस जिन्नात को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। हाँ बेटा, उन्होंने यही कहा था और वो पांच दिन आज पूरे हो गए हैं। इसका मतलब पीर जी या तो आज रात को वरना कल सुबह को उस जिन्नात को पकड़ने नसीम आपा की हवेली जाएंगे? पुख्ता तौर से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता बेटी, रात होने दो, देखते हैं क्या वाकया पेश आता है।
12:10 लगता है जुमेरात का पहला पहर शुरू हो गया है। या अल्लाह खैर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तूने मेरे साथियों को कैद कराया था, अब मैं तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे जख्मी कर दूंगा और अपना इंतकाम लूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी महबूबा को घोड़े की सवारी तो करा दूं। हेलो सूफी जी, मैं रहमान बात कर रहा हूँ। नसीम पर वो जल्लाद जिन फिर से सवार हो गया, आप जल्दी आ जाइए। रहमान बेटा तुम घबराओ नहीं, वो जिन नसीम का आशिक है जी, वो नसीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जी। मैं अभी अभी तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ जी। जी ठीक है जी, नसीम पर वो जल्लाद जिन फिर से हावी हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। अगर वो सूफी इस घर में आया तो मैं उसको फांसी पे लटका दूंगा। रब्बना आतेना फी दुनिया हसनत व बिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतेना फी दुनिया हसनत व बिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतेना फी दुनिया हसनत व बिल आखिरत हसनत व क़िना रहमान मियाँ, ओ रहमान मियाँ, रहमान मियाँ, ओ रहमान मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। सलामुलेकुम सूफी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे बेटा, अरे ये खून तेरे चेहरे पर कैसा? अल्लाह रहम करे अपना भी।
वो जल्लाद जिन अभी भी इस घर में मौजूद है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, ये बुरा जिन है, इसलिए इसे रूहानी ताकत के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। अरे आप सब लोग इस वक्त क्या हुआ? बेटा घबराने की कोई बात नहीं, वो जल्लाद जिन जो तुम्हारे ऊपर सवार था उसने तुम्हारे शौहर को जख्मी किया है और मैं उसे इस बोतल में कैद करने के लिए आया हूँ। नूरुद्दीन जी, सूफी जी, आबे जमजम दीजिए। लीजिए, ये लो बेटा, ये आबे जमजम है, बिस्मिल्लाह कर कर इसे पी लें। चाकू देना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटा हाथ देना। मर्दूद जिन्नात जहां कहीं भी है, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। घबराओ नहीं बेटा, गहरे गहरे सांस लेकर एक झटके मुंह से सांस बाहर निकालिए। तू है जिन्नातों की कौम का भगोड़ा, बामनोल बुंदा जिन। मुझे जाने दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे। जाने दूंगा। पहले तू इंसानी शक्ल में आ, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। नूरुद्दीन जी, बोतल देना। मेरे मौकिलों ने शाह जिन्नात से मिलकर सारी जानकारी मुझे ला कर दी है। तू बहुत खबीस है, शराब पी के उधम मचाता है, दूसरों को सताता है। तू रहम के काबिल है, आ इस बोतल में समा जा। रहमान बेटा, लो इस बोतल खोलो और किसी कब्रिस्तान में गहरा गड्ढा खोद कर इसे दबा देना।
सूफी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जिन्नात कब कहाँ कैसे हमारी नसीम पे मुसल्लत हो गए? मेरे मौकिलों ने मुझे जानकारी दी कि 22 जिन्नातों का गिरोह इस मकान की एक अलमारी में डेरा जमाए हुए थे। जब ये बच्चे इस मकान में रहने के लिए आए तो एक दिन दोपहर को आपकी लड़की गुसल से फारिग होकर आंगन में बैठी हुई बाल सवार रही थी। दरअसल जिन्नातों को औरतों का खुला पेट, खुली जुल्फें और खुशबू बेहद पसंद है, और उस दिन आप गुसल कर कर आंगन में बैठी हुई अपनी जुल्फें सवार रही थी। वो जिन्नात तुमको देख रहा था और तुम पर मुसल्लत हो गया। सूफी जी, आपने हमें जिन्नातों के चुंगल से छुड़ाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्र किस तरह से अदा करें। शुक्र तो उस खुदा का अदा करो, पर्दे का एहतमाम करो, नमाज पाबंदी के साथ अदा करो। इंशाल्लाह फिर कभी ऐसी खौफनाक परेशानी लाहक नहीं होगी।